जय भीम दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको डॉक्टर बी आर अंबेडकर की उन पांच सबसे बड़ी मूर्तियों को बताएंगे जिनसे हमारा भारत एक प्रगति की दिशा में बढ़ रहा है। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर की उन पांच मूर्तियों के बारे में जिनसे पूरी दुनिया में नीली क्रांति की लहर दौड़ती दिखाई दे रही है। नंबर 5 दोस्तों भारत के गॉड फादर संविधान के पितामह डॉक्टर बी आर अंबेडकर की मूर्तियां भारत के अलावा दुनिया भर में एक रिकॉर्ड बना हुआ है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर की मूर्तियां भारत के अलावा अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, हंगरी जैसे देशों में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा का रिकॉर्ड बना हुआ है और अब इस सूची में वियतनाम भी शामिल हो गया है। साल 2023 के जून और सितंबर में वियतनाम में डॉक्टर बी आर अंबेडकर की वो मूर्तियां स्थापित की गई हैं। वियतनाम डॉक्टर बी आर अंबेडकर की 10 मूर्तियां बनवा रहा है, अभी भी 8 मूर्तियां बनाना बाकी हैं। वियतनाम में डॉक्टर बी आर अंबेडकर की पहली मूर्ति 23 जून 2023 को बनाई गई। यह प्रतिमा हो ची मिन सिटी में स्थित है जो वियतनाम के सबसे बड़ा शहर है। यह प्रतिमा 3 मीटर ऊंची है। वियतनाम में डॉक्टर बी आर अंबेडकर की 10 मूर्तियों के अलावा कहीं 2 फीट ऊंची मूर्तियां वहां के बौद्ध मठों और विश्वविद्यालयों में स्थापित की जाएगी जिनसे स्टूडेंट्स को पढ़ने में बहुत ही आसानी हो। वियतनाम में यह मूर्तियां वियतनामी बौद्ध भिक्षु डॉक्टर तिच नहत तु और अभिनेता गगन मलिक द्वारा स्थापित की जाएगी। आते हैं नंबर 4 पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर की ऐसी प्रतिमा जिसका काम लगभग पिछले 5 सालों से चल रहा है। यह दावा किया जा रहा है कि यह मूर्ति डॉक्टर बी आर अंबेडकर की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति होगी। यह मूर्ति चीन में बनाई जा रही है। यह मूर्ति करीब 450 फीट ऊंची होगी जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। इस मूर्ति का उद्घाटन कब होगा यह अभी तक तय नहीं हुआ है, अभी भी इसमें काम चल रहा है और चीन यह दुनिया की पहली डॉक्टर अंबेडकर साहब की सबसे ऊंची मूर्ति बनवा रहा है। नंबर 3 तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कुछ समय पहले संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। यह मूर्ति साल 2023 से पहले डॉक्टर बी आर अंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति थी। इस प्रतिमा की ऊंचाई करीब 125 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा के निर्माण में 360 टन स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल भी किया गया, साथ ही इसमें 114 टन कांस्य का भी इस्तेमाल किया गया है। इस मूर्ति की लागत करीब 147 करोड़ रुपए हैं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर की इस प्रतिमा को श्रद्धांजलि देते हुए प्रतिमा इस पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई थी। नंबर 2 स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी जिसका मतलब होता है समानता की प्रतिमा। दोस्तों डॉक्टर बी आर अंबेडकर की यह प्रतिमा अमेरिका में बनाई गई। यह भारत के बाहर बाबा साहेब अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा है। 19 फुट की यह प्रतिमा इस सबसे बड़ी प्रतिमा मानी जाती है जो कि अमेरिका में बनाई गई है। इसका उद्घाटन 14 अक्टूबर 2023 को किया गया था। अमेरिका में डॉक्टर बी आर अंबेडकर की इस प्रतिमा के अनावरण के दिन काफी लोग इकट्ठे हुए जहां पर बहुत सारे भारतीय फैंस भी गए। उन्होंने जय भीम का नारा लगाकर इस मूर्ति का स्वागत किया। दोस्तों भारत से यह मूर्ति करीब हमारे देश के लिए एक गर्व की बात है जो अमेरिका ने बनाए। अमेरिका सबसे विकसित यानी अरबपति देश है।
जिनसे हमारे भारत देश का नाम यानी कि गर्व की बात है। आते हैं नंबर वन पर। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि संविधान के पितामह भारत के गॉडफादर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जिसका फिलहाल 19 जनवरी को उद्घाटन किया गया, इस मूर्ति का नाम है स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस, जिसका मतलब होता है सामाजिक न्याय का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध कराना। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को समानता का प्रतीक यानी सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इस मूर्ति का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने किया। अंबेडकर की इस मूर्ति की कुल ऊंचाई करीब 206 फीट ऊंची है। इस मूर्ति में 404 करोड़ रुपए की लागत यानी कि 404 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। यह मूर्ति आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थापित की गई है। यह मूर्ति दुनिया की टॉप 50 सबसे ऊंची मूर्तियों की लिस्ट में शामिल की गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मूर्ति के उद्घाटन के बाद सोशल मीडिया पर लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एक शिक्षक, ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनको आज पूरी दुनिया जानती है। वह एक हमारी भारतीय संविधान का निर्माण करके गए हैं जिनसे हम सबको एक समानता का अधिकार मिलता है और सबको बराबर अधिकार मिलते हैं। आज हर कोई अपनी मेहनत के बल पे आगे बढ़ सकता है और सबको बराबर जीने का हक है। विजयवाड़ा में इस मूर्ति के उद्घाटन के बाद वो लिखते हैं सोशल मीडिया पर कि यह हमारी सरकार द्वारा निर्मित डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 206 फीट ऊंची महाशिल्पम न केवल हमारे राज्य के लिए बल्कि यह पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है, ऐसा वह बताते हैं। और वास्तव में दोस्तों यह हमारी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और यह दुनिया में एक मिसाइल बनी हुई है। दोस्तों इसी दिन नीली क्रांति यानी सभी अंबेडकरवादी फैंस वहां पर पहुंचकर जय भीम का नारा लगाकर इस मूर्ति का उद्घाटन किए। दोस्तों ये थी डॉक्टर बी आर अंबेडकर की 5 दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियां और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने वाले आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम।